Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You tuned into Something Hot, and this is the Week in Review. Assalamualaikum, Amna. Ji, waalaikum assalam, Hassan. How was your trip to Lahore? It was very good, but very exhausting. कैसा था फैशन वीक? कैसा था फैशन वीक? अच्छा था, बस हमेशा अच्छी होती है. कुछ डिजाइनर्स बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत मीडियोकर थे, और इट वाज वेरी मिक्स्ड दिस टाइम, बट जो अच्छे थे वो बहुत दे वर रियली गुड. इन पूरे फैशन वीक की हाइलाइट्स आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, somethinghot.com. राइट आमना, आपके रिव्यूज चलेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो सारी जितनी भी अमेजिंग चीजें या नॉट सो अमेजिंग चीजें हुई हैं फैशन वीक पे आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. आमना, टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द वीकेंड ड्रामास, बिकॉज अदरवाइज द लिस्ट वुड हैव गॉटन वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, विद द एक्सेप्शन ऑफ सुर्ख चांदनी, बिकॉज उसका फिनाले हुआ, सो वी sort of have to discuss. Absolutely. It. Sukh Chandni ke baad we'll go to Ishq Zay Naseeb, Mere Paas Tum Ho, Ehdewafa, and at the end we'll also discuss the Alif promos. Promos, because it's the first episode is coming up on the 5th. On the 5th. Ji. And it's going to be stiff competition between Mere Paas Tum Ho and Alif. I personally think there won't be any competition between. Achha, we'll talk about that later, because we ran a poll also and we need to talk about it. Sukh Chandni khatam hua. Ji. Overall, I think nitty gritties mein jaye bagair, it ended on a good note. जी, कल्प्रिट को सजा हुई, शुमैला की मौत वाक्य होगी, and everybody got what they deserved. जी, with the exception of जवाद's property that went to अमान and आयदा, आपका क्या ओपिनियन है? हसन, मेरा ख्याल है कि मैसेज बहुत अच्छा था पूरी सीरीज में. It was about a survivor, how her journey from the acid attack to survival, to becoming an RJ, to becoming a sort of a social activist, you know, for the cause. तो वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट था. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू पिक अप, बिकॉज बहुत एसिड अटैक्स होते हैं पाकिस्तान में. हाउएवर, बहुत मुश्किल है मेंटेन करना वो बैलेंस बिटवीन अ गुड कॉज, बीइंग इंस्पिरेशनल एंड बीइंग प्रीची. आई जस्ट फेल्ट दैट देयर वाज, इट बिकेम टू प्रीची ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब अभी भी शुमैला मर रही है, तो उसको भी कह रहे हैं कि अच्छा, उसकी बच्ची पे माँ का कभी वो नहीं होना चाहिए, माँ की कभी तस्वीर खराब नहीं होनी चाहिए, उसको पता ना चले. These are all little preachy. ठीक है, वो तो I think is justified. It's justified, but I think नहीं चाहता कि वो बच्ची अपनी माँ से नफरत करे. That's fine, but I think the execution was very preachy. I felt that there have been very lengthy sequences where monologues बहुत ज़्यादा थे. बहुत ज़्यादा. तो वो था. But जो end में जो scene था, court scene था, particularly. और उनको क्या पता कि जवाद के एयर्स हैं या घर पे और लोग हैं या नहीं, जिनको बहन भाई हैं या नहीं. फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा दी, उन इंस्पेक्टर का नाम ही नहीं आया पूरी प्रोसीडिंग में. तो ऐसे लग रहा था कि जज साहब ने 26 एपिसोड देखे हैं पूरे सुर्ख चांदनी के, और उनको पता था कि किस पूरे पूरे एपिसोड में किसने क्या गलती की, तो इसलिए उन्होंने वो फैसला फटाफट ऐसे उन्होंने. आई थिंक इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे, गोइंग बैक टू द एंटायरिटी ऑफ द राइट एंड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, राइट, आई थिंक इज अ मच नीडेड ड्रामा. इन द सेंस कि इस तरह के इश्यूज अगर हाईलाइट नहीं किए जाएंगे, तो फिर अब जैसे एंड में वेयर आयदा स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सर्टेन लॉज, एब्सोल्युटली, जो इंप्लीमेंट नहीं हुए या एक बिल है जो पास नहीं हुआ, एग्जैक्टली, बिल पास होना चाहिए, एंड द इलीगल और अनऑथराइज्ड सेल ऑफ एसिड, यू नो, इवन दो देयर इज अ लॉ अगेंस्ट दैट, बट इट्स अनऑथराइज्ड एंड देयर इज नो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, एंड द सेम एज विद गन्स एंड वेपन्स, राइट, आपको कोई वो ही नहीं है उनका. There's no implementation of law, so वो हमारे society का problem ही है. Performances were also great. I think that Asad was the standout performance. Asad was definitely the standout performance. जी. He's emerged as a good actor, as a good performer. जी बिल्कुल. So we're looking forward to Mansha. I think was spectacular. जी बिल्कुल. बड़ी जबरदस्त acting की उन्होंने. बिल्कुल. So कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आया इस drama से. जी बिल्कुल. ठीक है. Moving on to Ishq Zeh Naseeb. जी. Interesting episode. मेरे ख्याल है काफी important episode थी. इसमें काफी कुछ चीजों पर रोशनी डली. जी, एक तो ये कि मिराक्युलसली दुनिया जो है वो चलना शुरू कर देती है. अच्छा आमना, उससे रिलेटेड, थैंक यू आपने ये यू ब्रॉट दिस अप. समबडी मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट ओके डिजीज और इलनेस, जी, एंड दिस आई विल जस्ट रीड आउट दैट मैसेज टू यू, इट्स आई थिंक इंपॉर्टेंट. देन शी सेड दैट इफ यू कुड प्लीज मेंशन द पार्ट वेयर द कैरेक्टर दानिया स्टूड अप विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मिरेकल ट्रीटमेंट
as I have the same disability but slightly different. It is a progressive condition that gets worse over time, not better. Just makes me sad that they're giving hope to people with muscular atrophy, dystrophy. Do they mention exactly what's wrong with Dunya in the beginning? Because there could be so many things. They did at one point. I don't exactly remember. I don't think that two medical cases can be compared because there are always anomalies. Or koi bhi zara si cheez bhi different ho jaye. Even the gene structure, agar different hai aapka, to ho sakta hai aapka reaction kisi ke saath different ho. At the end of the day, it is fantasy. Bahut kam log hote hain who actually get those miracles in life. But it is hope, it is fantasy. Theek hai. But other than that, jo ek aur interesting character ki introduction hua, which we're assuming is Samir's real mother, biological mother. Yeah, absolutely. Jo ek sequence mein aayi. Main aapko ye keh rahi hu ki this episode was actually very good. It was a very strong episode. Ke do teen cheeze hai. Ek to duniya, aur phir duniya ka interest in Kashif. Aur reciprocated halka sa nazar aata hai ki unka bhi ek bond ban gaya hai. Haan, wo us shaadi pe wo kaise gaya hai akele? और डैडी जी साथ क्यों नहीं गए ये मैं सोचती रही कि ये क्यों है यहाँ अकेले शादी पे गए थे या किसी कल्चरल इवेंट टाइप पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा था और फ्लाइट लेके ऐसा लगा कि वो हैदराबाद आ गए हैदराबाद लग रहा था मुझे एग्जैक्टली हाँ, तो हैदराबाद बट एनीवे ट्रिविया बट बेसिक चीज थी कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया उनकी इंस्पिरेशन काशिफ थी काशिफ का और उनका बॉन्ड बनना शुरू हो गया है तो वो एक यूनिट उनका स्ट्रांग हो गया है फिर हम आते हैं समीर और गौहर की तरफ उनका भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है वो अपनी बहन से भी बात करती हैं भाभी सुन भी लेती हैं सो वो भी एक डेवलपमेंट हो रही है और भाभी कहती भी हैं कि समीर का इंटरेस्ट है एग्जैक्टली समीर का इंटरेस्ट है तो वो भी एक डेवलपमेंट हमें पहले ही पता कि हो रही है गौहर इज़ अ बिट टू क्यूरियस अबाउट समीर्स पास्ट बट आई डोंट ब्लेम हर तस्वीरें भी वो चुरा लेती हैं उनकी अम्मी की और यू नो बेसमेंट में जाके शी स्नूपिंग अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट नॉट एग्जैक्टली समथिंग टू बी एनकरेज्ड इज दैट व्हाई शी कॉल्ड द रिपोर्टर आल्सो वो जो उसकी कजन थी यस वो ना शी इज क्यूरियस कि भाई मसला क्या है उनको भी कजन जो होती हैं उनको भी कॉल कर देती हैं वो एंड शी वांट्स टू गेट एट द बॉटम ऑफ द एंटायर सीन फिर वो जो खातून व्हीलचेयर में आती हैं उनको वो पहचान लेती हैं तस्वीरों से कि आपका नाम क्या है एंड शी सेज आई एम सॉरी यू नो सो द मदर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टोरी व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि प्लॉट का ट्विस्ट ही ये है कि व्हाट हैपेंड टू द मदर यू नो वो बार बार रेफरेंस होता है कि जी माँ छोड़ के चली गई बुरी थी व्हाटएवर लेकिन बुरी थी नहीं थी हमें ये भी पता चला है द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मदर एंड स्टेप मदर है वो कितनी ईवल है उसने शाकरा को मरवाया एक्चुअली शाकरा को मरवाया है या गायब किया है शाकरा कहाँ गई क्या ये उसकी रूह भटक रही है वो तो कहती है ना मेट के शी इज गॉन शी इज गॉन डेड या दे गॉट हर किल्ड या सो दैट मींस मतलब ये भूतों से बात करता है समीर हो सकता है और फिर ये है कि डॉक्टर से बात करना माँ का भाई आपका क्या ताल्लुक है एक ग्रोन अप एडल्ट है वो खुद अगर नहीं कर रहा तो आई मीन आप क्या चाहती हैं सो शी इज़ कंट्रोलिंग हिम फिर फाइनेंसेस पे कंट्रोल होना हाँ. पूरा जो बिजनेस फाइनेंसेस है उनके उन पर पूरा कंट्रोल है माँ का सो दैट शी डजंट वांट टू गिव अप दैट कंट्रोल सो देयर इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द टू और बेसिकली समीर इज अ वीक पर्सन ही इज नॉट शोन एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन बट व्हेन शी इज talking to the doctor even in the earlier episode it seems as though there's a lot of concern for Samir it's not typically a power struggle ke yaar I don't think there's concern jadad chahiye aur paise chahiye agar concern hota pura bachpan mein usko basement mein band karti aayi hain ab shayad hai nahi mera khayal hai it's wo control hai Samir pe bhi control hai aur puri jadad pe aur pure household pe she is a Like why can't Samir see through it is what my question He's is. He's not mentally stable. बचपन में उसको नहीं, अगर नहीं वो तो बचपन से ही mental stable में नहीं वो तो trauma में है बच्चा. नहीं but पिछले episode में वो बोलता है ना हल्का सा जब वो कि हम किसी तीसरे को आने, आने नहीं देती और वो मुस्कुराता so भी है sarcastically. But he's not stable enough mentally कि उसको वो कर सके. मगर गौहर उसको अच्छी लगती है. और अब जैसे हमने प्रोमो देखा अगले एपिसोड में काशिफ दुनिया को बता देता है अबाउट गौहर और गौहर समीर को कहती है कि मैंने फलाने मजार पे जाना है वहाँ दुआ करनी है और वहाँ पे उनका आमना सामना टाकरा होने वाला दोनों का टाकरा होने वाला है सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वेरी क्विक पेस्ड वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब इट्स वेरी नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल कि ऐसा नहीं है कि भी वही दो कहानियाँ या दो बहनें लड़ रही हैं आपस में या यू नो वो चीज़ नहीं है सो आई रियली लाइक इट ठीक है
15 एपिसोड इसके हो गए, सो फार इज गोइंग ग्रेट. एब्सोल्युटली. अब उम्मीद है कि ये इधर से यूं ना जाए, यूं ही जाए. जी, जी. और बाकी के जो उसके कुछ 10 एपिसोड अगर रह गए तो बिल्कुल. अच्छा, वुड यू से द सेम अबाउट मेरे पास तुम हो तो? सो आई मीन व्हाट हैपेंड इन दिस एपिसोड वाज आई मीन काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव. But apparently it does happen in society. So my issue with Mere Paas Tum Ho ki I wish it were a 2-hour film as opposed to a drama series. Because as a 2-hour film, ye wrap up kar sakte the. Kyunki har episode mein wohi baar baar ho raha hai. Reinforcement ho raha hai. Ab ek morally giri hui aurat ko hum kitna dekh sakte hain. Because Mavish ne sabit kar diya hai ki unke morals bahut questionable hain. Right? Wo baat bhi kar rahi hain. उनका हस्बैंड उनको मिलने जा रहा है शवार को, कि वो शवार को हेड्स अप दे रही है कि हे यू नो शवार, माय हस्बैंड्स कमिंग, संभाल लेना. आई मीन तुम्हारी लॉयल्टीज बड़ी जल्दी हस्बैंड से हटके जो है वो शवार पे चली गई हैं. फिर वो तैयार हो के बैठी हैं तो वो कहती हैं अच्छा मैं चली जाऊँ. और वो कहता है बच्चे से बात करवाओ. मैंने सोचा कि रूमी ने तो बोल देना कि मामा तो तैयार बैठी है, तो वो भी तेज़ है, वो बात ही नहीं कराती. मगर वो अपना डायमंड का नेकलेस पहन के, अपना अच्छा जोड़ा पहन के, मैचिंग शूज एंड बैग करके पहुंच जाती हैं परफेक्ट गर्ल्स करके अपने और फटाफट अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है, फटाफट तैयार होता है सर, ऑफिस स्पेस और 6 महीने का एडवांस सैलरी 5 लाख रुपया, 6 लाख तो होगा, कमरा अलग से, कमरा उनको जबरदस्त मिल जाता है. और करना उन्हें कुछ नहीं है, बस सिगरेट निकालना. वो कहती हैं कि एग्जैक्टली, या कॉफी देनी है, कॉफी देनी. उनका ख्याल रखना है ना बेसिकली. कितना मुश्किल है असल, आप सोचें किसी का ख्याल रखना. और वो जब कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को कल गुस्सा आएगा तो वो मना कर देगा, तो वो कहती है अब तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं, नहीं वो कहती है मुझे तो दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती अब. सो शी इज कम्प्लीटली कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप व्हाटएवर इट्स वर्थ, एंड शी इज नॉट समबडी हु कैन बी कंडोन्ड इन एनी वे और एंडोर्स्ड, कि जी आपकी सिंपथीज अब मेविश के साथ नहीं हो सकती. ऑन द अदर हैंड दानिश के सर में दर्द हो रहा है, उसको पता है कि कोई दानिश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज अ डमास कम्प्लीटली. मतलब भाई तू यार इतना बेवकूफ़ है कि अपनी बीवी को उठा के कह के जा तू बैठ जा उसकी गोद में. दैट्स बेसिकली व्हाट ही इज डन. ही कान सी थ्रू शेवार, उसकी बातों में रोने धोने में आ गया है. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ मैच्योर एडल्ट इज ही. शुरू में बड़ा अच्छा डायलॉग था एक, जो उन्होंने कहा कि जी जो कि पैसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी सैलरी होती है, जो आप अच्छा, डिजर्व नहीं करते वो आपकी कीमत होती है. और फिर वही किया उन्होंने, उन्होंने वही किया, उन्होंने अपनी बीवी की कीमत वो डिजर्व तो नहीं करती लाख रुपया. जी बिल्कुल. तो फिर क्या ये चेंज आया, ये मुझे नो, ही इज बेसिकली अ वीक कैरेक्टर. ही इज अ वीक कैरेक्टर कि मतलब बीवी को कह रहे हैं कि नहीं मैं खुश, वो बार-बार पूछ रही है आप तुम खुश हो ना, हाँ मैं खुश हूँ. अरे भाई क्यों खुश हो तुम? मगर आई थिंक अगले एपिसोड में वो खुशी भी उसकी रिवोक होने वाली है, बिकॉज कुछ है ना उसमें कि तुम मतलब ही इज नॉट एंटायरली हैप्पी विद द सिचुएशन, ही जस्ट वांट्स हर टू बी हैप्पी. हाँ, अब जो मैंने जो समझ पाया हूँ अगले एपिसोड के प्रोमो से, मैविश तो अब रिबेलियस हो गई है, वो रिवॉल्ट करेगी. हाँ जी. अब वो अपनी मर्जी से काम करेगी जो उसको करना है. सो वी कैन क्लियरली सी द रिफ्ट अपीयरिंग एंड देन आई थिंक इवेंचुअली दिस वुड लीड टू देयर ब्रेकअप. बट आई अगेन आई डोंट थिंक द ड्रामा हैज इनफ कंटेंट फॉर इट टू बी अ ड्रामा सीरीज. इसमें इतना कंटेंट नहीं है कि आप इसको 20 या 22 किस्तें खींचें. ये 2-3.5 घंटे की फिल्म होती या टेली प्ले होता. बिकॉज आई थिंक हो you know, at the moment we don't know where it's headed. There are some. Actually, it's pretty clear where it's headed. I think there are certain things that are going to happen in the next couple of episodes. I hope so. Which will change the direction of the play. Because I'm kind of bored of seeing now Mavish dressing up for Shevar and calling him and you know kind of doing these dumb questions. Ke wo kyun? Wo kaise? I mean, hello. Like, how dumb are you? Mia Bibi, dono hi bade bevkoof hain. नहीं बीवी तो नहीं बेवकूफ, बेवकूफी है ना ऐसे सवाल पूछ रही है. व्हाट इज शी ट्राइंग टू अचीव बाय दिस? उसको ख्याल है कि एक इतना मंजाबा किरदार शवार टाइप अपनी बीवी को छोड़ के इसकी से शादी करेगा. व्हाट इज शी आफ्टर? नहीं बट मे बी शी इज नॉट आफ्टर द शादी, मे बी शी इज जस्ट आफ्टर द मनी एंड द लाइफ. शी इज विलिंग टू जेपर्डाइज हर मैरिज फॉर इट. या और दूसरी तरफ जो है आपके दानिश अंकल, देखें ना अगर आप टेलीपैथिक उनको पढ़ रहे हैं कि जब वो उन पे लाइन मारते हैं उनकी बीवी पे तो उनको सर में दर्द है. नहीं बट अगर आप देखें आमना जो मैविश का कैरेक्टर है, इन अ सर्टेन वे इट्स सिमिलर टू शुमैला. वी कैन अंडरस्टैंड कि एक जो बीवी होती है शायद अगर मियाँ से या घर से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप यू नो यू एट वन पॉइंट यू सेड दैट शुमैला वाज एंबिशियस
Or you said marriage was also ambitious. No, but then you leave your husband. If you're ambitious, then... You leave your husband and then you do whatever. But while remaining married, you're betraying your relationship. मैंने ये भी कहा था कि trust से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है marriage life में. तो मतलब है कि आप अपने मियाँ का trust तोड़ रही हैं और रोज़ाना तोड़ रही हैं माशाल्लाह से. ये नहीं एक दफा रोजाना कैसे. हाँ ठीक है, लाख रुपए की आपने नौकरी करनी है और अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो छोड़ दो मियाँ. If you like another man, then leave your husband and go and do whatever. I mean, to be fair, it's still not clear if she likes Shahwar in that way. I think she does. Really? Oh yeah. अच्छा. She's got the hots for Shahwar. फिर देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्लैरिटी मिलती है. Yeah, exactly. ऐदे वफा की एपिसोड मुझे अच्छी लगी. बहुत अच्छी थी हसन. मैंने एंजॉय किया. बहुत मजा आया मुझे. मैं I actually chuckled at certain places. बहुत मुझे मजा आया. And I want to specially say that I enjoyed Usman Khalid Butt's acting. Absolutely. I think कि उस्मान का जो strength है ना वो comedy है. And he's actually very good. Not to say कि वो अभी भी वो चारों लड़के जो हैं वो अपनी क्लास के लड़कों से बड़े ही लग रहे हैं. हाँ, उस्मान के आगे एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी मूंछें उगी भी नहीं थी. उगी भी नहीं थी, exactly. मगर discounting that fact, उनके जितने comic sequences थे वो बहुत मजे के थे. I think उन चारों की जो chemistry आपस में बड़ी जबरदस्त है. चारों बहुत जबरदस्त है. And you know, लगते हैं दोस्त वो चारों. एक ड्रामा ऐसा है जो फैमिली रिलेशनशिप्स को नहीं फोकस कर रहा. यू नो, लॉरेंस कॉलेज है, ब्यूटिफुल सराउंडिंग, क्यूट बॉयज, यू नो, लिटिल थिंग्स की केनिंग होने वाली है. तो पतलून में किताबें घुसाई हुई हैं और मैं तीन कच्चे और दो पतलूने पहन के आया हूं. केनिंग होती है बाय द वे अभी भी आजकल के दौर में? आई डोंट नो होती कि नहीं होती. एंड आई आल्सो डोंट नो वेदर इट शुड बी एनकरेज्ड ऑन टेलीविजन बिकॉज़ हमने देखा है कि दैट वाज अ बिट इनअप्रोप्रिएट. इट वाज because grown I mean you don't even know if they're children or if they're actually नहीं, like grown men. बहुत अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस इन द लास्ट 6 मंथ्स हुए हैं कि टीचर्स की मारने से. We've had unfortunate deaths of children in schools and all that. So, you know, I don't know whether hum caning ko... It was a bit inappropriate. Condone to nahi kar sakte? Condone to nahi dikhate nahi hai. Lekin mere khayal hai caning avoid bhi ki ja sakti thi. Kar dete to better tha. Yehi degrees hoti hai na, jo aap keh rahi hai baat ke madrasoon mein, wo caning se baat aage badh jati hai. Ji, bilkul. To wo thoda sa ek inappropriate sequence tha, but other than that, Alize ki jo tha scene, wo bhi mujhe bada acha laga. Ji, unko jo aankhon mein pyar ho jata hai, pehli nazar mein aur wo sara kuch. I think it was a cute sequence. Jab wo cake girta hai, ji, wo bahut cute tha. Phir Usman Khalid Butt ka jaake naam pata karana. पठान ड्राइवर बन के वो बहुत क्यूट सीन था. मुझे जारा वाला सीन भी बड़ा अच्छा लगा. जारा वाला सीन भी अच्छा था. जारा ने क्रिकेट भी खेली वो भी अच्छा जी बिल्कुल. इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड एंड सो रिफ्रेशिंग टू सी दिस पीपल इन रोल्स दैट आर हैप्पी डिफरेंट. रोना धोना नहीं है और हमें स्टोरी भी आगे बढ़ी है थोड़ी सी, नॉट टू मच आई मस्ट से, कि दुआ जो है वो बाहर नहीं जाना चाहती. शी वॉन्ट्स टू स्टे विद हर पेरेंट्स. और जो उनके कजन राहील हैं वो उनमें बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं जी. और वो मरी की माल रोड जाती हैं सूप पीने जाती जी, सूपी ने. और केक खरीदने खरीद. वाहन का टाकरा हो जाता है साध से जी. और अब साध उनको परस्यू करेंगे, उनका वो लव इंटरेस्ट बनेगा. और जारा का ट्रैक क्योंकि अभी डिफरेंट है, अभी वो रानी का अभी वो नहीं हुआ, क्रॉस नहीं हुआ जी. लेकिन वी नो कि रानी और शाहजैन जो है उनका भी, और दोनों इक्वली बेवकूफ हैं क्योंकि उन्होंने जो न्यूटन को जंग न्यूटन को जो उन्होंने जंग पे भेजा था जी बिल्कुल. दैट वाज फनी. सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. विजुअल्स अगेन बड़े अच्छे हैं तो मजा आता है देखने में जी. सो एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स डेफिनेटली रिफ्रेशिंग टू सी अ ड्रामा बेस्ड ऑन समथिंग अदर देन अगेन फैमिली रिलेशनशिप्स एंड रोना धोना. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने आमना रिक्वेस्ट किया कि हम अलिफ के प्रोमोज के ऊपर बात करें. बिल्कुल. बड़े अच्छे प्रोमोज आए हैं जी और काफी तादाद में आए हैं. वेरी पावरफुल. ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का आके तो चला गया. कोई आई थिंक 4 या 5 टीजर आ चुके हैं. बिल्कुल. आपको कैसे लगे? मुझे बहुत पावरफुल लगे हसन. पहली बात तो ये है कि जो है मंजर से भाई और हमजा के डायलॉग्स सुपर स्ट्रॉन्ग. इवन मंजर से भाई एसएन के डायलॉग एंड एसएन के डायलॉग सुपर स्ट्रॉन्ग. फिर उनका पूरा वही बात है ना कि प्रोडक्शन वैल्यू है कि लुक्स चेंज की हुई हैं, लोगों की दाढ़ी मूंछों के रंग बदले हुए हैं बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली पाकिस्तानी कैरेक्टर्स. और सजल का डेवलपमेंट ऑफ हर कैरेक्टर, टाइमलाइंस आल्सो, बिकॉज टाइमलाइंस आई थिंक इट्स वेरी इंट्रीगिंग. और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अगले सैटरडे के लिए कि मैं ये देखूं. और यू नो, डर मुझे यही है दोबारा कि शायद ये प्रीची ना हो जाए. क्योंकि हमारे ड्रामों में थोड़ी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा लेक्चरबाजी इसमें लग रही है और प्रीचीनेस शुरू हो जाती है. और हमजा वैसे भी ही इज प्रोन टू प्रीचिंग. ट्विटर पे भी उनका यही है सारा सीन. तो अगर ये प्रीचिंग की तरफ ना जाएं और जेंटल मैसेजेस दें तो ड्रामा बहुत पावरफुल लग रहा है. थोड़ा सा हमें सदफ कमल का भी ग्लिम्प्स मिला, बट ऑफकोर्स
सजल ओवरपावर्स एवरीथिंग. आई मीन जहाँ जहाँ उनके सीन्स थे. आपको क्या ख्याल है? आई थिंक जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा हुआ है उनको तो स्टोरी पता है, लेकिन जिन लोगों ने शायद नॉवल नहीं पढ़ा हुआ उनको भी अब एक आइडिया तो हो गया है. जी एसन एंड कुबरा आर हमज़ा पेरेंट्स. जी एंड देन एसन एंड हिज फादर देयर इनटू कैलीग्राफी एंड वो आर्टिस्ट हैं. एंड देन ही फॉल्स इन लव विद कुबरा. सो उसका जो वो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पेंटिंग कुबरा. जी एंड देन देयर इज ऑब्वियसली अ रिफ्ट एंड शी इज अ डांसर. एंड शी इज अ डांसर. जी वो सब कुछ होके और फिर आते. तो इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन ऑब्वियसली डीलिंग विद टू डिफरेंट टाइमलाइंस और वो नजर आ रहा है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ हुई है. प्रोडक्शन क्वालिटी इज रियली हाई. जी और वैसे भी जो एक्टिंग है हमजा का, बड़े अरसे के बाद हम उनको देखेंगे स्क्रीन जी, के ऊपर. कुछ मुझे फील हुआ कि हमजा इज प्लेइंग हिमसेल्फ. और उन्होंने कहा भी है, बोला भी है हमजा ने, ये बोला भी है कि क्लोज टू हुआ है. या एंड दैट इट्स in a way shows his journey बिल्कुल, in his personal life. And again Sajjal is an outstanding actress. और जो अभी एक Sajjal specific promo आया था जिसमें you know you see her struggle, किस तरह भाई बीमार है जहांगीर जिसको किडनी की जरूरत है. अभी कुछ इक्का दुक्का डायलॉग से लग रहा है, लग रहा है, हो सकता है कि वो मगर अल्लाह करे कि इक्का दुक्का ही रहे. आई थिंक मंजर सिपाही साहब का कैरेक्टर ही पूरा प्रीची, मगर ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट. इट्स एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. और जो वो कह रहे हैं उसमें भी आप डिनाई तो नहीं कर सकते. But again, it's too soon to, respond to it. But एक चीज जो I think it's worth pointing out is that ये मेरे पास तुमो वाले स्लॉट में आ रहा है. हाँ जी. तो कल हमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल रन किया था कि लोगों से पूछा कि आप कौन सा ड्रामा देखेंगे अपने सैटरडे को. जी. तो जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, let's say 80%, 85% actually. Let me guess. जी. Alif. So this is over 1500 votes. So ऐसा भी नहीं है कि 5, 10, 15, 20 लोगों ने वोट किया. 1500 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है. जी. And 85% लोगों ने ये कहा कि हम अलिफ देखेंगे. जी बिल्कुल. Only 15% have said that they'll watch मेरे पास तुमो. जी. And what needs to be kept in mind also is that मेरे पास तुमो has set new viewership records. You know, it's first episode. Absolutely. And the second or the third, even and the this, third episode. This looks like it's going to break it. So now, अगर 85% लोग हमारे audience कह रही है कि जी हमने अलिफ देखना है. जी. तो एक हम prediction कर सकते हैं कि शायद अलिफ will break those records. Records. मगर मुझे ये अगले हफ्ते से weekend बड़ा अच्छा गुजरने वाला है. हाँ. जुमे को हम देखेंगे इश्क़ है नसीब. Saturday को हम पहले देखेंगे अलिफ और फिर बाद में YouTube पे मेरे पास तुम हो देखेंगे. मैं तो दोनों YouTube पे देखूंगा आप. जी. और फिर हम संडे को देखेंगे एहदे-ए-वफा. तो ये चार ड्रामे हमारे अब वीकेंड पे हो जाएंगे. सुपर, तो सुपर. मेरे ख्याल में जो हमारा फ्राइडे को वीकेंड रिव्यू का इम्पोर्टेंट एपिसोड होता है जी. वो अब मंडे को शिफ्ट हो जाएगा वीकेंड रिव्यू. जी बिल्कुल. फ्राइडे को हम रिव्यू करेंगे. इस फ्राइडे को हम जरूर एक एपिसोड करेंगे. वी नीड टू डिस्कस दासी एंड आई एंड आई आल्सो वांट टू ब्रिंग खास अप टू स्पीड इस हफ्ते के बाद एपिसोड देख के, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उसके अंदर बगैर पीछे हुए. And it's a very important play. तो हम वो डिस्कस करेंगे. And of course we'll catch up with Dasi. Dasi and Bewafa. And Bewafa. We don't know what drama is replacing Surkh Chandni, but जी. Probably something will. No, I think Ruswai is replacing. Yeah, Surkh Ruswai. Chandni. Yeah, exactly. So, and again, that's an important drama. And I must say that Sana Javed's performance in Ruswai seems to be very good. अच्छा, and if you look at it ना, अभी acid attack survivor की story, अब rape victim की story. जी. So एक ये issue based drama है यार भाई. हर हफ्ते हम हर 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 मंगल के दिन एक issue raise. एक issue हम जरूर raise करेंगे. ठीक है. जी. So on that note, we'll take everyone's leave. Thank you very much for your continued feedback. Thank you for your comments. We read all the comments. Of course. And अगली दफा अगर हमारे पास time हुआ, हम 5 मिनट हसन मेरे ख्याल से comments को जी हमें जरूर करना चाहिए. जी. हमने शुरू में किया था. हमें I think we should do it again. Thank you very much. किसी ने मेरी असल एज पूछी. अरे हाँ, ये important है. बोलना चाहूँगी. किसी ने पूछा कि I want to know Amna's real age. I'm 45 years old. She's not in her 20s. I'm not in my 20s. I'm 45 and still overweight, but nevertheless, 45 है. और आपके जो भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उनके जवाब I will try to take screenshots and reply to them. ठीक है. Personally. So we'll see you on Friday now.